सीएम मोहन यादव गुजरात दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम चौथे ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो री इन्वेस्ट 24 में हिस्सा लेंगे। इस साल समिट के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देश भी शामिल हैं। री इन्वेस्ट समिट अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक निवेशों, डेवलपरों, निर्माताओं और इन्वर्टर्स को एक साथ लाने का मंच है, जिसका लक्ष्य भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और स्थापना में तेजी लाना है और भारतीय ऊर्जा हितधारकों को वैश्विक निवेशक समुदाय से जोड़ना चाहती है। ये कार्यक्रम गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश शुक्ला शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए आज गुजरात में कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करना और इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से यहाँ का जो कार्यकाल रहा है, गुजरात मॉडल है एक तरह से विकास के सभी क्षेत्रों में, खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा में भी अब नवकरणीय ऊर्जा को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश में एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह ले रहे हैं, उसी का आज एक पार्ट हमारे यहाँ गुजरात में आज एक दिन का पूरा कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करना, सूर्य आधारित अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं पे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल पावर, इन सब सेक्टर में जो प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी का प्रयास है, बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं, और नवकरणीय ऊर्जा उसमें सोने पे सुहागा जैसी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।